Hello students, today we will be continuing chapter number 1 of SS Geography Standard 7 for Swaminarayan student. The name of the chapter is our environment. Earlier session में अपन ने basic introduction पढ़ लिया था, अब अपन lithosphere और hydrosphere और atmosphere का पूरा detail में पढ़ेंगे, एकदम ध्यान देना। सबसे पहले आ जाते हैं lithosphere, तो basically जो rocky outermost layer of the earth, earth का सबसे जो outermost layer होता है, जो एकदम rocky होता है, मतलब जो rock से बना हुआ होता है, उस layer को हम बोलते हैं lithosphere. Lithosphere क्या, it is a rocky outermost layer of the earth. Earth का जो rock से बना हुआ सबसे बाहरी layer है, outermost layer, उसको बोलते हैं lithosphere. अब ये lithosphere का मतलब ही होता है रॉकी क्रस्ट. ये जो वर्ड लिथोस्फेयर, इसका मतलब ही क्या होता है, रॉकी क्रस्ट, रॉक का पूरा क्रस्ट. ओके, इट इंक्लूड क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, मतलब ये लिथोस्फेयर में क्या आ जाते हैं, तो क्रस्ट पूरा और जो मेंटल होता है, मतलब अपन को पता है अर्थ के तीन पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड नीचे कोर होता है. तो बेसिकली जो क्रस्ट है ना पूरा लिथोस्फेयर में आ जाता है और मेंटल का जो अपर पार्ट है वो भी लिथोस्फेयर में आ जाता है. अब बेसिकली ये जो लिथोस्फेयर की थिकनेस है अबाउट 100 किलोमीटर मोटा है. जो लिथोस्फेयर कितना मोटा है, 100 किलोमीटर थिक है. लिथोस्फेयर में रॉक्स है, लिथोस्फेयर में मिनरल्स है. द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ द सॉइल. जो लिथोस्फेयर का भी सबसे ऊपरी भाग है, लिथोस्फेयर का भी जो अपरमोस्ट पार्ट है, उसमें सॉइल की एक पतली सी लेयर है, ठीक है. ओके, यहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं लिथोस्फीयर में, जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, वैली, सब अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है. ओके, सॉरी, लिथोस्फीयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिथोस्फीयर में रहने के लिए बिल्डिंग, हाउसेस, रोड, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ये सब कहाँ पे होता है, लिथोस्फीयर पे होता है, ठीक है. लिथोस्फीयर में मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज भी होते हैं. लिथोस्फीयर से अपन को मिनरल रिसोर्स और पावर रिसोर्स भी मिलते हैं. तो वापस मैं समझा रही हूँ, लिथोस्फीयर अटेंटिव है ना. सबसे पहले बोला लिथोस्फीयर है क्या, जो भी रॉकी आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सबसे बाहरी लेयर होता है, जो एकदम रॉकी होता है, रॉक से बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर नाम ही का मतलब होता है रॉकी क्रस्ट, ठीक है. ओके, तो लिथोस्फीयर में क्रस्ट पूरा आ जाता है, मेंटल का अपर लेयर, क्रस्ट पूरा और मेंटल का अपर लेयर. जो लिथोस्फीयर की थिकनेस अराउंड 100 किलोमीटर है, लिथोस्फीयर की थिकनेस कितनी है, 100 किलोमीटर. लिथोस्फीयर किस किस से बना हुआ है, लिथोस्फीयर रॉक से बना हुआ है, लिथोस्फीयर मिनरल से बना हुआ है. जो लिथोस्फीयर रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है. जो लिथोस्फीयर का भी अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है, सॉइल से बनी हुई. जो लिथोस्फीयर का भी जो अपर मोस्ट लेयर है, लिथोस्फीयर का जो सबसे ऊपर का लेयर है वो किससे बना हुआ है, वो सॉइल से बना हुआ है, ठीक है, उसमें सॉइल है. लिथोस्फीयर में अलग अलग लैंडफॉर्म्स है, जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू. लिथोस्फीयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लैंड प्रोवाइड करता है फॉर बिल्डिंग, हाउसेस. लिथोस्फीयर में एग्जैक्टली लैंड है, जहाँ पे हम बिल्डिंग, हाउसेस, रोड, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर सब कर सकते हैं. लिथोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन लिथोस्फीयर में मिनरल रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज, ये सब भी मिलते हैं. अब आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर में. तो वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सर्फेस, हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है, जो भी अर्थ पे पानी प्रेजेंट है. हाइड्रोस्फीयर में क्या आ जाता है, जो भी वाटर प्रेजेंट है ऑन द अर्थ सर्फेस, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है. अलग अलग सोर्सेज ऑफ वाटर, जैसे ओशन, रिवर, सीज, लेक, रिवर, ये अलग अलग सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल है, ठीक है. तो सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर क्या बोलते हैं, द वॉटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सर्फेस. अर्थ सर्फेस में जो भी पानी है, अर्थ सर्फेस में जो भी वॉटर प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. और इसकी जो सोर्सेस है वो क्या है, वो है वॉटर, ओशन, सीज, लेक, ये सब, ठीक है. इनफैक्ट कुछ कुछ पानी बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे भी फाउंड किया जाता है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं. कुछ कुछ वाटर अर्थ के नीचे, अर्थ के बिलो भी सर्फेस ऑफ द अर्थ में फाउंड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर. ओके, जो अर्थ के नीचे पानी फॉर्म किया जाता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं. और बेसिकली वाटर ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ को सपोर्ट करता है. जो वाटर, उसमें हर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ जी सकते हैं. अब वाटर तीन स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सॉलिड स्टेट में वाटर को आइस बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में तो जो वाटर, और गैसेस स्टेट में जो वाटर होता है वो क्या होता है, वाटर वेपर्स होता है. तो जो वाटर है वो हर तीन स्टेट में एक्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड स्टेट में उसको आइस बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में वाटर, एंड गैसेस स्टेट में वाटर वेपर. ओके, फ्रेश वाटर, बेसिकली अर्थ में फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, वाटर साइकिल के थ्रू. वाटर साइकिल आपको शायद से आपने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में, कि जो भी रिवर वाटर होता है, ओशन में वाटर होता है, एवोपरेट होता है, एवोपरेट पर होके ऊपर कंडेंस होके क्लाउड बनता है. क्लाउड जब हैवी हो जाते हैं तो नीचे रेन के फॉर्म में गिरता है, वो फ्रेश वाटर अपन को मिलता है. तो बेसिकली अर्थ पे फ्रेश वाटर कैसे मिलता है, अर्थ पे फ्रेश वाटर वाटर साइकिल के थ्रू मिलता है. वापस मैं हाइड्रोस्फीयर समझा रही हूँ. तो जो भी वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो भी पानी प्रेजेंट है वो क्या, हाइड्रोस्फीयर. अर्थ सरफेस पे जो भी वाटर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं
हाइड्रोस्फीयर मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, अलग अलग सोर्स ऑफ वाटर जैसे ओशन, सीज, रिवर, लेक्स, अलग अलग सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है. इवन अर्थ सर्फेस के नीचे भी कुछ पानी फाइंड किया जाता है, वाटर फाउंड बिलो द अर्थ सर्फेस. अर्थ सर्फेस के नीचे जो पानी फाइंड किया जाता है उसको अपन बोलते हैं ग्राउंड वाटर. क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर. वाटर हर फॉर्म ऑफ द लाइफ सपोर्ट करता है. वाटर थ्री फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो सॉलिड फॉर्म में वाटर उसको हम लोग आइस बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है तो वाटर होता है, और गैसेस फॉर्म में क्या बोलते हैं? वाटर वेपर, ठीक है. बेसिकली लैंड पे फ्रेश वाटर कैसे आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. मैंने आपको वाटर साइकिल बताया कि जो भी ओशन में वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स बन के नीचे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में रेन फॉर्म में आता है. ना एटमोस्फियर, तो एटमोस्फियर इज एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. एटमोस्फियर एक एयर का एनवेलप है जो पूरे अर्थ को सराउंड करता है. अर्थ ने एक एनवेलप, अर्थ को एक कवर करते हुए, एयर के एनवेलप को कवर करते हुए उसको बोलते हैं एटमोस्फियर, ठीक है. तो एटमोस्फियर कैसे हेल्ड टुगेदर द बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से एटमोस्फियर साथ में रहता है. अर्थ में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से एटमोस्फियर साथ में रहता है, ठीक है. एटमोस्फियर में लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है जैसे ऑक्सीजन. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, वो भी एटमोस्फियर में प्रेजेंट है. और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो भी प्रेजेंट. तो सारी लाइफ सपोर्टिंग गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. इवन एटमोस्फियर हमको हार्मफुल रेस ऑफ द सन से भी प्रोटेक्ट करता है. जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं वो अर्थ पे डायरेक्टली अगर पड़ जाए तो ह्यूमन बींग को स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हो जाए. लेकिन एटमोस्फियर में जो ओजोन लेयर होता है वो इस अल्ट्रावायलेट रेस को अपन तक पहुंचने नहीं देता, अपन को ये हार्मफुल रेस ऑफ सन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. ओके, सॉरी, जो वेदर में चेंजेस होता है वो भी एटमोस्फियर के कारण ही होता है. ओके, तो बोला है कि अगर अर्थ में एटमोस्फेयर नहीं तो अपना प्लैनेट भी एकदम बैरन हो, जैसे दूसरे प्लैनेट्स पर कोई लाइफ नहीं पॉसिबल, वैसे अर्थ पे भी लाइफ नहीं पॉसिबल होती अगर यहाँ पे एटमोस्फेयर नहीं होता. मैं वापस समझा रही, एक बार ध्यान देना, एटमोस्फेयर के बारे में अपन पढ़ रहे. तो जो भी एनवेलप ऑफ एयर है दैट सराउंड अर्थ, अर्थ को सराउंड करती हुई एयर की एनवेलप, एनवेलप मतलब क्या? कवर करता हुआ, अर्थ को पूरा कवर करता हुआ एक एयर का एनवेलप है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर किस फोर्स के कारण जुड़ा हुआ है? एटमोस्फेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण साथ में जुड़ा हुआ है. तो पूछ सकते हैं कि अर्थ, ये जो एटमोस्फेयर कौन से फोर्स के कारण साथ में जुड़ा हुआ है? तो जो एटमोस्फेयर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण साथ में जुड़ा हुआ है. तो अर्थ में, एटमोस्फेयर में लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है. कौन से लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है? ऑक्सीजन है जो ह्यूमन बींग को चाहिए और एनिमल्स को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड है जो यूजुअली प्लांट्स को चाहिए. ओके, तो जो भी लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है वो भी प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है. एटमोस्फेयर हमको हार्मफुल रेस ऑफ द सन से प्रोटेक्ट करता है. जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन है जो अर्थ पे पहुंच सकते हैं और ह्यूमन बींग को डैमेज कर सकते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है. जो वेदर में चेंजेस होता है वो भी एटमोस्फेयर के कारण होता है. और इनफैक्ट अगर अर्थ में एटमोस्फेयर नहीं हो तो अर्थ भी दूसरे प्लैनेट की तरह एकदम बंजर हो जाए, बैरन हो जाए, क्लियर. तो अगेन अपन ने तीन लेयर्स के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर और हाइड्रोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? जो भी रॉक सर्फेस होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है, जो सबसे रॉकी, जो रॉकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. लिथोस्फीयर मतलब रॉकी लेयर होता है. अब लिथोस्फीयर में पूरा का पूरा क्रस्ट आ जाता है और इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ द मेंटल भी आ जाते हैं. लिथोस्फीयर की एवरेज हाइट है 100 किलोमीटर. लिथोस्फीयर में रॉक्स है और क्या है? मिनरल्स है, ठीक है. बेसिकली लिथोस्फीयर में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, ये सब, ठीक है. अब लिथोस्फीयर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिथोस्फीयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों लिथोस्फीयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लिथोस्फीयर ही हमको लैंड देता है जहाँ पे हम लोग बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेटअप कर पाते हैं. और इवन लिथोस्फीयर मिनरल और पावर रिसोर्सेस के लिए भी बहुत यूजफुल है. फिर हाइड्रोस्फीयर पड़ा, लिथोस्फीयर कंप्लीट होने के बाद हाइड्रोस्फीयर, जो भी अर्थ सर्फेस पे वाटर प्रेजेंट है वो होता है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर के सोर्सेज है रिवर, लेक्स, ओशन, मतलब जो भी वाटर बॉडीज होती है जहां पे पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है. इवन कुछ कुछ पानी अर्थ के नीचे भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर. कुछ कुछ वाटर बिलो अर्थ भी प्रेजेंट होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. वाटर में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ सपोर्ट होती है. अब जो भी वाटर है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जो भी वाटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइस. जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको वाटर, और जो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको वाटर वेपर, ठीक है. बेसिकली अर्थ पे जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो किस प्रोसेस के कारण अवेलेबल है? वो वाटर साइकिल के कारण अवेलेबल है. वाटर साइकिल मतलब जो भी ओशंस में वाटर होता है वो हीट के कारण इवेपोरेट होके ऊपर 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 जाता है, ऊपर पहुंचने से वो ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं. जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो अर्थ पे फॉल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, और इस तरह से हमको फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है.
ओके okay, आप एटमोसफियर जो भी एयर का एनवलप है अराउंड द अर्थ उसको हम एटमोसफियर बोलते हैं। एटमोसफियर साथ में क्यों होल्ड होता है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एटमोसफियर होल्ड हो रहा है। एटमोसफियर में लाइफ गिविंग गैसेस है लाइक ऑक्सीजन जो ह्यूमन बींग और प्लांट के लिए नेसेसरी है, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल के नेसेसरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के लिए नेसेसरी है। एटमोसफियर हमको हार्मफुल रेस ऑफ द सन, अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन से भी प्रोटेक्ट करता है। और इनफैक्ट अगर अर्थ पे एटमोसफियर नहीं हो तो अर्थ भी दूसरे प्लैनेट जैसे एकदम बंजर हो जाए, बैरन हो जाए। तो बेसिकली अपन ने लिथोस्फीयर, एटमोसफियर और हाइड्रोस्फीयर तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ा। आई होप क्लियर है, पूरा आपको अच्छे से लर्न करना है। एक बार बोर्ड से गो थ्रू करा, ध्यान दो। एटमोसफियर तो रॉकी आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फियर। टर्म लिथोस्फियर मतलब क्या होता है? रॉकी क्रस्ट। इसमें क्या आ जाता है? इट इंक्लूड मेंटल एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल, इट इंक्लूड क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल। जो एवरेज थिकनेस है वो लिथोस्फियर की कितनी है? 100 किलोमीटर। लिथोस्फियर रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है। अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फियर इज मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो भी लिथोस्फियर का अपरमोस्ट पार्ट है वो सॉइल के पतले पतले पार्टिकल से बना हुआ है। द इरेगुलर रॉकी स्फीयर एक्सटेंड बोथ ओवर कॉन्टिनेंट एंड ओशन। यहाँ पे वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है जैसे माउंटेन, प्लेन्स, वैली। लिथोस्फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड लैंड फॉर बिल्डिंग, हाउस, रोड्स, फैक्ट्री। लिथोस्फियर इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल और पावर रिसोर्स भी है। ना हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर इज अ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, मतलब जो भी अर्थ सर्फेस पे वाटर प्रेजेंट है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर जैसे ओशन, सीज, रिवर, लेक्स, ठीक है। वाटर पॉन्ड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे जो पानी फाउंड किया उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वाटर सपोर्ट करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। थ्री स्टेट में वाटर होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड स्टेट में जो वाटर होता है उसको आइस बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में वाटर एंड गैसेस स्टेट में वाटर वेपर। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन द लैंड बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। लैंड पे फ्रेश वाटर भी कैसे होता है? बाय प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। नाउ एटमोसफियर द एनवलप ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ। अर्थ को सराउंड करते हुए एनवलप को क्या बोलते हैं? एटमोसफियर, ठीक है। एटमोसफियर कौन से फोर्स के कारण टुगेदर होल्ड किया जाता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एटमोसफियर में ऑक्सीजन है जो ह्यूमन बींग और एनिमल के लिए जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट के लिए जरूरी है। एटमोसफियर प्रिवेंट द सन रेज, सन हार्मफुल रे फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको अर्थ पे पहुंचने से बचाते हैं। चेंजेस इन वेदर भी एटमोसफियर के कारण ही होता है, एंड विदाउट एटमोसफियर अर्थ भी एक बैलेंस्ड लैंड हो जाए जैसे दूसरे प्लैनेट्स है। तो दिस वॉज अबाउट एटमोसफियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर। एक बार गो थ्रू कर लो, नोट्स बनाओ, आपको पूरा एज इट इज लर्न करना। ओके, सो विल बी एंडिंग अवर लेक्चर बाय दिस। बायोस्फियर से हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।